बात करते हैं बहावलपुर चोलिस्तान जी रैली की, रंगारंग तकरीबा जारी, पैराग्लाइड, फूड स्टॉल और बहुत कुछ। जनूबी पंजाब के सकाफती रंग, दूर दराज से इलाकों से आए पैराग्लाइड करके वीडियोस बनाने में मशगूल, शहरी फैमिलियों के साथ इवेंट को एंजॉय करने चोलिस्तान पहुंच गए। चोलिस्तान जिब्रेली में तफरी के मुख्तलिफ मौके फराहम किए गए। चोलिस्तान जिब्रेली में स्टॉक कैटेगरी के लिए मैदान सज किया। स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां 225 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। सेक्रेटरी सियाहत पंजाब ने फीता काट कर स्टॉक कैटेगरी का आगाज किया। आपको आगाह करें, चोलिस्तान जीप रैली की रंगारंग तकरीबा जारी है। खेल, पैराग्लाइडिंग, फूड स्टॉल्स और बहुत कुछ। जनूबी पंजाब के सकाफती रंग, दूर दराज इलाकों से आए पैराग्लाइडिंग करके वीडियोस बनाने में मशगूल। अठारहवीं चोलिस्तान जीप रैली जारी। स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां सहराई चोलिस्तान में मंजिल की जानिब रवा दवा। दिलवर स्टेडियम में क्वाड और ट्रक रेस फ्लैग ऑफ के मुंतजिर, हजारों शायकीन रोही से मेले से लुत्फानंदोज होने के लिए दिलवर स्टेडियम में मौजूद। दिलवर स्टेडियम में मौजूद है, मजीद जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक बताइएगा। जी देखें, 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का जो मेला है वो सजा हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ जो शायकीन की तादाद है मोटर स्पोर्ट्स को देखने वाली वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अभी भी सूरत हाल ये है कि क्वाड बाइक की रेस होनी है और ट्रक कैटेगरी की जो रेस है वो होनी है। ऐसे में जो लोगों के रश है वो बेताशा बढ़ गया है और क्वाड बाइक्स ने तो यहाँ आके रौनक जो है वो बढ़ा दी है। और अभी कुछ देर में जो है वो क्वाड बाइक की रेस होने जा रही है। इवेंट में शामिल हैं, रेस के लिए तैयार हैं, कैसा देख रहे हैं ट्रैक को, रेस को और चोलिस्तान की जीप रैली को? चोलिस्तान की जीप रैली वन ऑफ द बेस्ट जीप रैली इन पाकिस्तान जी। इंशाल्लाह हम भी इधर क्वाड बाइक की कैटेगरी अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, हमने अपनी क्वाड बाइक्स ले आए हैं, कराची से हमने सफर किया है, तो इंशाल्लाह आज अपनी लक आजमाएंगे। हाँ बिल्कुल जी, लक आजमाएंगे। और जो सबसे मजेदार जो यहाँ आपको मिलवाते हैं एक 12 साल बच्चे से हैदर जो है वो डर्ट बाइक पे है और डर्ट बाइक के हवाले से जो तैयारी मुकम्मल है। हाँ जी हैदर, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। तो कैसे अपनी रेस को कैसे देख रहे हैं, कहाँ दौड़ा रहे हैं और चोलिस्तान जीप रैली में मजा आ रहा है? जी बिल्कुल मजा आ रहा है। और अभी हमारी रेस नहीं है, अभी डर्ट ये क्वाड बाइक की रेस, हमारी रेस कल होगी। जी बिल्कुल, जो है वो डर्ट बाइक की रेस है, वो ट्रैक के हवाले से देखते मिले हैं। क्वाड बाइक जो है वो अलाइन हो चुकी है जी, किस हद तक देख रहे हैं रेस को, कैसे देख रहे हैं चोलिस्तान को, कैसे देख रहे हैं और यहाँ कैसा वेदर कैसा है और किस तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं? हम अस्सलाम वालेकुम, हमारा वेदर तो माशाल्लाह अभी बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है और ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेस हो रही है। हम कराची से आए हुए हैं, अब इंशाल्लाह ट्रैक पे चलेंगे, एंजॉय करेंगे और हार्ड ट्रैक है बहुत। जी बिल्कुल, और जो एक खास चीज़ जो आपको दिखानी है वो यहाँ एक ऐसी गाड़ी भी जो है जो क्वाड बाइक है 1600 cc है और खसूसी तौर पर जो है इस सेंट के लिए बनाई गई है। और यहाँ चोलिस्तान में जी जाम साहब कैसे हैं आप और कैसे चला रहे हैं गाड़ी और किस तरीके से देख रहे हैं इस रैली को और कितने तैयार हैं और गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशन है? गाड़ी तो सबसे अच्छी मेरी है, वैसे तो हर कोई कहता ही है। स्पेसिफिकेशन ये है कि 1300 cc है और विद टर्बो 1600 cc हो जाती है। और देखते हैं अभी क्या होता है, मदद अभी तक तो बहुत आ रहा है, अभी बस थोड़ी देर में रैली स्टार्ट होने लगी है, आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय करते हैं, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अभी ट्रैक की रैकी भी की है, ट्रैक को किसी कैसे देख रहे हैं, टफ है और मुकाबले में जो लोग हैं उनको किसी कैसे देख रहे हैं? रैकी के दौरान तो ट्रैक जो है वो टफ तो है, ऑब्वियसली बनाया इसलिए गया ताकि मुकाबला हो सके। बाकी यह है कि बाकी पार्टिसिपेंट भी अच्छे हैं, अभी देखते हैं फिर क्या होता है। जी बिल्कुल, इसके बाद जो है वो एक खसूसी जो कैटेगरी शामिल की गई है वो ट्रक रेस की जो है वो शामिल की गई है। हमारे साथ हैं अहमद मर्चाखेल। मर्चाखेल, आप सुबह से जो है अपना ट्रक लेके तैयार हैं और लग ये रहा है कि मुकाबले पे अभी तक कोई नहीं आया लेकिन चार ट्रक मजीद आए हुए हैं, और किस वक्त आपकी रेस होने जा रही है, क्या TDCP की तरफ से बताया गया है और लोग सबसे ज़्यादा तस्वीरें बनवा रहे हैं आपके ट्रक के साथ? सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपने बड़ा काफ़ी टाइम दिया। और ट्रकें हाँ चार हैं और काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ट्रकें आ रही हैं। तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रेस है, अभी शुरू होने जा रहे हैं तकरीबन कुछ 10 मिनट में, तो मोराल हाई है इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट कि एक अच्छा रेस होगा और लोग भी काफ़ी इंजॉय करें, जैसे हम लोगों के लिए आते हैं। और जी बिल्कुल लोगों के लिए आते हैं, यहाँ मज़ेदार आपको दिखाएं कि एक जैसे ड्रेसेज हैं और शानदार तरीके से जो है, आप कहाँ से आए हैं और क्या रैली को कैसे इंजॉय कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम सर बावलपुर से आए हैं और अभी ही पहुँचे हैं
माशाल्लाह बहुत इंतजाम हुआ पड़ा है, यहाँ रेंजर फोर्स भी खड़ी है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक जैसा ड्रेस पहना है, कोई खास दोस्ती है? हमारी दोस्ती है, बहुत पुराने, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने दोस्त हैं इसलिए सेम ड्रेसेस हर दफा पहनते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, ये देखें जी, ये इत्तेफाक, ये देखें, बड़ा शानदार जो है वो रिवायती किस्म का ड्रेस और रिवायती मास्क लगा के आज ये किस तरीके से देख रहे हैं जीप रैली को, इस सारी सूरत हाल को? अस्सलाम वालेकुम, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह अहमदपुर शरकिया से आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, जो है भरपूर किस्म की जो रौनक है यहाँ लगी है इस हवाले से अभी कुछ ही देर में जो है क्वाड बाइक रेस का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जी जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अठारहवीं चोलिस्तान जीप रैली ग्रैंड मेले में तब्दील, जीप रैली की रौनकें लाहौरी बाइकर्स को चोलिस्तान खींच लाई। लाहौरी बाइकर्स लाहौर से हैवी बाइक्स पर चोलिस्तान पहुंच गए। जी ताहिर जो, ये बताइएगा लाहौरी बाइकर्स का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? चोलिस्तान जीप रैली का मेला सजा हुआ है और ये जो मेला है चोलिस्तान के जो जितने भी दूर दराज के सियाह हैं उनको यहाँ पर खींच लाया है, यहाँ की सहाफत उनको खींच लाई है और यहाँ का जो कल्चर है वो यहाँ पर उनको खींच के लाया है। हमारे साथ लाहौर से जो है वो बाइकर्स आए हुए हैं, मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या ऐसा चोलिस्तान में है, जीप रैली में है कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहते हैं, क्या जज्बात हैं और क्या देख रहे हैं आप यहाँ का समा? यहाँ बड़ा जी हम लोग एक्साइटेड थे, आज सुबह के टाइम हम पहुँचे हैं लाहौर से सफ़र करके, तो लोगों का मोराल देखा है बड़ा हाई है, सब इंजॉय कर रहे हैं जीप रैली को और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, यहाँ की सकाफत भी प्रमोट हो रही है साउथ पंजाब की और हम तो हमेशा इसे सराहते हैं और हर साल यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल जी, हर साल आते हैं और बहुत अच्छी सकाफत है। दूसरे भाई से भी बात करेंगे, आप क्या समझते हैं कि चोलिस्तान जीप रैली जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड है और आप इसके लिए, इस ब्रांड को लाहौर तक पहुँचाने में, पाकिस्तान में पहुँचाने के लिए कितना एक फाल किरदार अदा कर रहे हैं? जी मैं, हम आए लाहौर से, लाहौर से हमारा एक्सपीरियंस नया, हम पहली दफ़ा आए यहाँ पर देखने के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि बाकी लोग भी आए, लाहौर के लोग देखें यहाँ पर बाइक करें, हमारे दोस्त वगैरह लाहौर में, तो वो हम चाह रहे हैं कि वो भी आएँ और इंजॉय करें, यहाँ का माहौल डिफरेंट माहौल है और वो इंजॉय करेंगे यहाँ पर। बाइक पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस एरिया में आने का? बाइक में बहुत मज़बूत, लोग समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कार जीप आ सकती हैं लेकिन बाइक का अलग ही माहौल है और इनका यही कहना है कि लाहौर जाएंगे वापस और यही मैसेज देंगे कि यहाँ आए। बहुत शुक्रिया ताहिर जो ये आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे वजीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर चोलिस्तान जीप रैली की खुशी आम आवाम तक पहुँचाएंगे। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने कहा चोलिस्तानी और बहावलपुर समेत जीपी रैली को प्रोग्राम से आवाम खुश हुई है, रैली की रंगारंग तकरीबात से आवाम ने चंद रोज गम भुला दिए हैं। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर आगाह कीजिएगा। अजी बिल्कुल, बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली इस वक्त भरपूर तरीके से जारी है, कल इसका आखिरी डे है और फाइनल राउंड होने लगे हैं। इस जीप रैली पे जितना डिवोशन, जितना मोटिवेशन आवाम में देखा गया, आवाम में जज्बात, जोश व खरोश और फेस्टिविटी पाई गई, इससे पहले कभी किसी जीप रैली पे नहीं पाई गई और इसका सेहरा है कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर के साथ। सर अब तो वाइंड अप होने वाली है, कैसा देख रहे हैं कि कैसा रहा इवेंट? अच्छा महमूद, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इवेंट रहा अभी तक। इसमें तीन हमारी चैलेंजेस थे, एक चैलेंज था जो इंटरनेशनल रेसर्स आए हुए हैं, जो लोकल रेसर्स हैं, नेशनल रेसर्स हैं, इन सारों को फैसिलिटेट करना। 500 किलोमीटर से लंबा ट्रैक है जो चोलिस्तान के अंदर वो रेस होती है। दूसरा हमारा था जो आम सियाह आते हैं मुल्क से भी और बैरून मुल्क भी, जो वहाँ पर आके ट्रेड फेयर, तहजीब, कल्चर, म्यूज़िक, फूड वो इंजॉय करते हैं दरावड़ के इर्द गिर्द, वो वहाँ पे कैंपिंग करते हैं दरावड़ किले के इर्द गिर्द, चोलिस्तान की रात गुजारते हैं वहाँ पे उस सहरा की। और तीसरा था सबसे बड़ा कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इस दफ़ा हमें पंजाब पुलिस, पंजाब रेंजर्स और पाक आर्मी की तरफ से स्पेशल सपोर्ट थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपने देखा होगा एक भी वाकया जो नहीं हुआ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा वाकया कोई नहीं हुआ। कल आप समझ रहे हैं कोई वीवीआईपी गवर्नर साहब या वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की आमद या किसी और की आमद? एक तो मोहसिन नकवी साहब को मैं जिक्र यहाँ ज़रूर करूँगा कि जब उन्होंने चोलिस्तान जीप रैली की मीटिंग ली तो उन्होंने मुझे बिल्कुल वाज़ह अल्फाज में कहा कि इसका जो एक पहलू है एंटरटेनमेंट वाला, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और आम लोगों को इसके एंटरटेनमेंट इतनी महसूस होनी चाहिए कि वो अपने गम भूलें। इसमें हमने उसके लिए पूरे तीनों अजला में बहुत से रंगारंग तकरीबात उनकी हदायत पे की, हमने चोलिस्तान के अंदर कल भी, परसों भी और आज भी होनी है और कल भी होनी है, ये चार पाँच रोज़ से वहाँ पर फेस्टिविटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमारा बहुत बड़ा एक इवेंट होगा जिसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उससे पहले महमूद आज शाम को एक म्यूज़िकल नाइट हो रही है, आज शाम को वहाँ पर फायरवर्क है, अगर आप जाएँ तो देखें दरावड़ इस वक्त किला जो है वो दुल्हन बना हुआ है माशाल्लाह।
तो फेस्टिविटी के हवाले से इसकी मेहमान खसूसी कल कोई खास शख्सियत? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ हमारे कैप्टन साकिब जफर साहब इंशाल्लाह होंगे, उसके अलावा दीगर आला हुकाम भी होंगे, उसमें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स होंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे रिसर्च भी होंगे, तमाम उनके नेविगेटर्स, मीडिया के लोग होंगे, नोटेबल्स होंगे और बहुत खूबसूरत तकरीब होगी कल। जी आपका बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कि फेस्टिविटी के रंग जो हैं वो हमने बिखेरे हैं, आवाम तक उसका असर पहुंचाया है, इस हवाले से अभी आप सुन रहे थे कमिश्नर बहावलपुर। महमूद जहीर बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। मजीद करते हैं, हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिलों का कोटा मौते। पंजाब की 95% फ्लोर मिल्स अपना सरकारी गंदम कोटा ले रही है। महकमा खुराक ने इतवार के रोज भी फ्लोर मिल्स को कोटा दिया जा रहा है। सेक्रेटरी खुराक जमान वटू ने कहा, सूबे भर में 970 फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी भी फ्लोर मिल को सरकारी गंदम ओपन मार्केट में फरोख करने की इजाजत नहीं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिलों का कोटा मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब की 95% फ्लोर मिल्स अपना सरकारी गंदम कोटा ले रही हैं। महकमा खुराक ने इतवार के रोज भी फ्लोर मिल्स को कोटा दिया जा रहा है। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू ने कहा है कि सूबे भर में 970 फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा दे रहे हैं। सुबह भर के सरकारी तालीमी अदारों में स्कूल बहाली मंसूबे का बाकायदा आगाज। मंसूबे के तहत स्कूलों को 31 नकाती एजेंडे पर लाजमी अमल दरामद करना होगा। स्कूल बहाली मंसूबे के तहत तमाम इजला की रैंकिंग भी जारी होगी। खतरनाक इमारतों और नॉन सैलरी बजट समेत असातज़ा तलबा के हाजिरी भी चेक होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया है। सुबह भर के सरकारी तालीमी इदारों में स्कूल बहाली मंसूबे का बाकायदा आगाज। मंसूबे के तहत स्कूलों को 31 नकाती एजेंडे पर लाजमी अमल दरामद करना होगा। स्कूल बहाली मंसूबे के तहत तमाम अज़ला की रैंकिंग भी जारी होगी। खतरनाक इमारतों और नॉन सैलरी बजट समेत उस्ताज़ा तलबा की हाजिरी भी चेक होगी। पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दीली की एक बार फिर बाजगश। पंजाब पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील करने के लिए सर्वे का आगाज। वर्दी को ओवलियो ग्रीन या एसपीयू की करे ग्रे रंग में तब्दील किया जाएगा। तमाम अजला को ओलिव ग्रीन और ग्रे रंग की तस्वीर लगाकर सर्वे फॉर्म भिजवा दिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दीली की एक बार फिर बाजे गश्त है। पंजाब पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील करने के लिए सर्वे का आगाज किया जा चुका है। वर्दी को ऑलिव ग्रीन या एसपीयू की ग्रे रंग में तब्दील किया जाएगा। तमाम इजला को ऑलिव ग्रीन और ग्रे रंग की तस्वीर लगाकर सर्वे फार्म भिजवा दिया गया है। हुकाम का कहना है कि आइंदा हफ्ते तक सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म है। और अब आपको बताएंगे, रहीमियर खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए खवार होने लगे। शहरी सारा दिन लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजे जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीमियर खान में आटे की किल्लत उसी तरह से बरकरार है और आटे की किल्लत मजीद बढ़ जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि शहरियों की जो एक लाइन है आटा खरीदने के लिए, ये तहद निगाह तक है। जहाँ तक आपको कैमरा दिखा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लंबी एक लाइन है जहाँ पे सुबह 7 बजे से ये लोग खड़े रहते हैं और फिर दोपहर या फिर शाम को इनको 10 किलो आटे का एक थैला मिलता है। जो है इनकी परेशानियों में इजाफे का एक सिलसिला जारी है। शहरी हमारे से मौजूद हैं, बताएगा कितने घंटों से आप इस लाइन में खड़े हैं? देखो जैसे सुबह 7 बजे जिते आए हैं कि मैं लाइन च खड़ करके 2-4 घंटे से खड़ते हैं। आटा 10 किलो की थैली मिलती है, जिसे हम 7-8 बच्चे हम 10 किलो की आटे थैली की करें। साड़ी यही हुकूमत गुजारिश है कि आटा जेड़ा गरीबों को ज्यादा दिता जाए, क्योंकि कम से कम 20 किलो की थैली तो होना, चलो 5 दिन तक बेचारा मजदूरी भी कर सके, और ना मजदूरी से जान जोगा तो ना कोई आटा लैन जोगा, असं की करिए। जे आटा लैन आई है तो साढ़े को पैसे नहीं होंगे इन्ने जो, जब मजदूरी करा तो आटा लैन, जो आटा लैन आते हैं तो 2-4 घंटे खड़ते हैं, 10 किलो की थैली लगती है, वो तो 2 दिनों मुक जाती है जिसे 6 बच्चे हो। हुकूमत ना साड़ी यही गुजारिश है कि आटा ज्यादा दिता जाए, क्योंकि 20 किलो तो आटा होना, चलो गरीब। आप क्या कहना चाहेंगे आटे की किल्लत क्या? आटे से आटे बड़ी बहुत किल्लत है जी, 20 किलो आटा मिले गरीब हूँ। सवेरे 6 बजे हम दे 10 बजे खड़े रहते, आटा नहीं मिलता, फिर दिहाड़ी साड़ी की ना पैसा हो तो ना आटा ले, दिहाड़ी की तो कितने जाइए, फिर गरीब हूँ, साढ़ा इसाद करो, इमदाद करो, 20 किलो आटा मिले
करीब ना मिलने से कितनी परेशानी होती है भाई? बहुत परेशानी होती है, बंदा काम करे के महंगाई के लिए आटा ले, अगर आटा बंदा खुद लेता है तो फिर काम नहीं कर सकता, काम करता है तो फिर आटा नहीं मिलता। मुतालबा यही है हुकूमत से कि गुजारिश हमारी कि आटा सस्ता करे, ठीक है 20 किलो वाली थैली वो हमें दे। ये वो शहरी हैं जिनकी परेशानियों में एक इजाफे का सिलसिला इसी वजह से बरकरार है कि इनका सारा दिन जो है आटा खरीदने में इसी तरह की लंबी लाइनों में इंतजार की अज़्ज़त में मुब्तला होकर गुजर जाता है। इनका यही मुतालबा है कि जो इंतजामिया है वो फौरी तौर पर अमली इकदाम आटे को सस्ता किया जाए। आमिर भट्टी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार के बाद रुख करेंगे तौनसा शरीफ का। आटे का बहरान मुकामी इंतजामिया की बदनज़मी की वजह से शहरी परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रूही अजमत बुजदार से। जी अजमत बताइएगा। जी बिल्कुल, तौंसा शरीफ में आटे का शदीद बोरान है और इस वक्त सूरतयाल ये है कि यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आटा के लिए किस तरह जहाँ पे आटा तकसीम किया जा रहा है और किस तरह लोग जहाँ पे आटा खरीदते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि मनपसंद लोगों को आटा दिया जा रहा है, शदीद बदनज़मी है, इंतजाम ना होने की वजह से लोग यहाँ पे आटा खरीद नहीं पा रहे। और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या दे सर? हम सुबह 5 बजे कहे हूँ आटा नहीं मिल रहा, शनाख्ती कार्ड के बगैर आटा मिलना, शनाख्ती कार्ड के साथ मिलना चाहिए सर। और पुलिस की नफरी ज़्यादा होना चाहिए, आवाम ज़्यादा है और पुलिस बहुत कम है, वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहे। और इधर जो नौजवान है वो ले सकते हैं, बूढ़े बंदे पीछे रह जाते हैं, भगदड़ मची हुई है, एक दूसरे को ईंटें मार रहे हैं, पत्थरे मार रहे हैं और सर फाड़ रहे हैं सर। क्या कहेंगे? ये जो सुबह लोग 3 बजे आते हैं, जो लोग इधर आकर रात को सोते हैं ये आटा के लिए, सुबह वो जो बूढ़े जवान आते हैं 10 बजे वो लोग आते हैं, वो 10 थैला लेकर जाते हैं, वो जो 3 बजे आते हैं उसको एक थैला भी नहीं मिलता है, सारा ब्लैकमेल पे सिफारशी लोग ले जाते हैं, सिफारशी को 5-5 भी दे देते हैं, हमको एक दो भी नहीं मिलता। अभी कुछ गरीबों को देखो इधर 900 रुपए वो लोग बेच रहे हैं, वही ले जाते हैं 900 रुपए का थैला, 900 रुपए बेचते हैं लोग। यहाँ पे जखीरा दोज वाले बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो इंतजामिया है, जो मेल वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो उनके साथ मिल के ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये आटा पूरा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, किसी तरफ आप चेक करने के रक्षे यहाँ पे लोड होके जा रहे हैं। कल एक रक्षा पकड़ा हुआ था, पुलिस वालों के हवाले किया, फिर उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है ना। अभी जो लोग आते हैं गरीब, जो कमज़ोर बंदे हैं वो तो नहीं ले सकते हैं, अभी जो जवान बंदे हैं वो तो 10-10 गठुआ लेके बेचते हैं, 650 का लेके 1000 रुपए का थैली बेच रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि यहाँ पे इंतजामिया की मिली भगत से और बदनज़मी की वजह से लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि ऐसा इंतजाम बनाया जाए कि जहाँ आटा नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया अजमत बुजार आपका हमें अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक निज़ाम की बात करें तो मुल्तान में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका। शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने के बराबर हैं, लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हो चुके। शहर के आम शाहराओं पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो इस वक्त दरहम बरहम हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अगर बात करें चुंगी नंबर 9 पर। यहाँ ये जो चुंगी नंबर 9 है ये मुल्तान की अहम शराब भी है, यहाँ से पूरी ट्रैफिक का निज़ाम भी कंट्रोल होता है। आज से कुछ महीने पहले यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नसब किए गए थे, ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन तला आपको दिखा सके इस ट्रैफिक सिग्नल्स को। ये नसब तो कर दिए गए हैं, लाखों रुपया लगा दिया गया, लेकिन इनकी खस्ता हाली का ये आलम है कि ये फाल ना हो सके। आप क्या कहेंगे, ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए थे लाखों रुपया लगा के लेकिन फाल नहीं हो सके? ट्रैफिक सिग्नल तो लगे हुए हैं लेकिन जब से लगे हैं तो ये बंद पड़े हुए हैं, उस वजह से जो है ट्रैफिक का भी निज़ाम सही नहीं है। यहाँ पे मेन चौक है 9 नंबर चुंगी मुल्तान का, समझे कि हार्ट है ये किस्म का, तो इशारे चलने चाहिए जो सिग्नल्स हैं जितने भी। अब यहाँ पर इतने पैसे लगाए हैं हुकूमत ने ताकि ये ट्रैफिक निज़ाम जो है ये सही हो, लेकिन नहीं, आप खुद दिखा सकते देख सकते हैं कि कोई पता नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है कौन कहाँ जा रहा है। और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे क्या जानते हैं आप इस हवाले से? क्या सर, ये देखें, जब ये 1 से 2 बजे छुट्टी का टाइम होता है 9 नंबर का, पूरा ब्लॉक होता है, इधर गुजरने का रास्ता नहीं होता और एक्सीडेंट होते हैं इसमें। ये कितना टाइम हो गया लगे हुए हैं सिग्नल, लेकिन कोई फाल नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हर वक्त जाम रहती है। की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जिस मुतलका इंतजामिया से कि लिहाजा अगर पैसे लगाए गए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर तो इसको फाल भी किया जाए ताकि हादसा से भी बचा जा सके और जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है उससे बचा जा सके। राना बिलाल बहुत शुक्रिया आपका।
मियांवाली में ठेकेदारों की मनमानियां, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कचहरी रोड जीपीओ चौक पर ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर गायब। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, मियांवाली में जारी तरक्याती कामों के जो ठेकेदार हैं मन मर्जियों पे आ गए। कचहरी रोड डीपीओ चौक पर सीवरेज नाले का काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब हो चुका है। रोड के ऊपर बजरी के ढेर लगे हुए हैं, मशीनरी खड़ी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। यहाँ से शहरियों को गुजरने में तंगी का सामना कर रहा है और सामने ही पेट्रोल पंप मौजूद है और उसका सारा रास्ता भी बंद है। क्या कहते हैं इस हवाले से शहरी, बात करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? सर, जो सीवरेज लाइन के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, पहले तो सर जो कंट्रैक्टर इन्होंने सेलेक्ट किया है गवर्नमेंट की तरफ सिलेक्शन हुई है सर, वो सर इतना नाअहल ठेकेदार है कि उन्होंने सारी सीवरेज लाइनें उखेड़ के रख दी हैं और मिट्टी बजर और सीमेंट के ढेरों के ढेर सर जो है ना रोड के ऊपर लगे हुए हैं। रोड सारे ब्लॉक हैं सर और ये दो तीन हादसे भी सर इसी वजह से रोनमा हो चुके हैं सर। काइंडली सर जो है ना डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि एज सून एज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। बात करते हैं, महंगाई का तूफान थम ना सका। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स मुश्किलात से दो चार, गैर सरकारी रेट के बरक्स 280 रुपए किलो में फरोख की जा रही है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, मुल्क भर में महंगाई का एक तूफान बरपा है। हर बुनियादी हर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। इसी तरह जो एलपीजी की कीमतें हैं वो जहां आम शहरियों की पहुंच से दूर हैं, वहीं पे हुकूमत और इंतजामिया इनको कंट्रोल करने में भी नाकाम नजर आती है। गवर्नमेंट का रेट जो है वो 260 के करीब फिक्स किया गया है। पहले 204 था, फिर 1 फरवरी को कीमतों का दोबारा इतलाक हुआ 260-264 रुपये फी किलो के हिसाब से गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया। लेकिन मुल्तान शहर में कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, 300 क्रॉस कर चुकी हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं क्योंकि इनका जो असर है वो डायरेक्ट रिक्शा ड्राइवर्स पर पड़ता है। क्या रेट्स मिल रहे हैं आपको एल पी जी के? एल पी जी सर यहाँ पे चल रही है कहीं 300 है, कहीं 310 है, कहीं 320 है, ये रेट चल रहा है। 310 भी मिल रही है, 320 भी मिल रही है। गैस इतनी महंगी हुई है, हालांकि 260 है, तो दुकानदार इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? मुतालबा नहीं करते कि गवर्नमेंट रेट पे दें? भैया 20 दफा मुतालबा किया है, 20 दफा हड़ताल किया है, लेकिन उसका एक या दो दिन रद्दमल आता, उसके बाद कोई रद्दमल नहीं आता। इंतजामिया नाम की चीज कहीं नजर ही नहीं आ रही पूरे मुल्तान शहर में। गैस के अलावा और भी ऐसी हैं जो नायाब होती जा रही है। आटा है वो भी कतारों में लग के लेना पड़ रहा हमें, और सबसे ज्यादा मुतासर हम रक्षा ड्राइवर हो रहे हैं। अच्छा, अचानक गैस 200 से बढ़कर 300 पर चली गई, आप लोगों ने किरायों में भी इजाफा किया होगा? किराया बढ़ाते हैं, सवारी नहीं देती, हम कोशिश करते हैं बढ़ाते हैं, सवारी कहती है हमारा कसूर नहीं है, हमने बढ़ाया, हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं, सवारी नहीं किराया बढ़ा रही। किराया सवारी नहीं देती, किराया बढ़ाए भी है, मजबूर हैं, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। नेते आटा महंगा, गैस महंगा, कम नेते है, सवारी किराया नहीं भरती, अब क्या करे, चलाना तो है, अब क्या करे, घर भी देखना, कि जिनके किराए के मकान है वो क्या कर सकता है। सवारी भी किराया नहीं देती, इंतजामिया भी कीमतों को कंट्रोल नहीं करती, ड्राइवर हजरात जो है मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि इनके लिए भी रोजी करना आसान हो। कीमतों को कंट्रोल किया जाए, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। जरा इजनास की कीमतों के हवाले से बात करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की उड़ान तेजी से जारी। जरा इजनास की कीमतों में नया साल लगने के बाद से 50% इजाफा। मकई, गंदम, चावल, बाजरे समेत दीगर जरा इजनास की कीमतें बढ़ गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, बताइएगा। बिल्कुल, गुजरते वक्त के साथ साथ ही पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है जो कि आवाम डिमांड कर रही है, बल्कि उसके बरक्स रोज़ की बुनियाद पे कोई ना कोई चीज़ हमको महंगी होती नज़र आती है। आज बात करें हम तो ज़रई अजनास की, जिसमें बाजरा और मकई के दाने समेत दीगर जो आइटम होते हैं इनकी कीमतों में भी जब से ये नया साल लगा है अब तक 50% तक का जो है वो इजाफा हो गया है। बात करते हैं सर, बताइएगा वाकई 50% इजाफा हो गया? बिल्कुल जी, इजाफा तो बहुत हो गया ना, हर चीज़ महंगी हो गई है, आप यकीन माने, और महंगी होने के साथ नापैद भी हो गई हैं, और पैसा होने के बावजूद चीज़ें मिलती नहीं हैं। आप चले जाएं चीज़ें, अगर आप कहते हैं जी 50 कट, वो कहते हैं आपको 30 मिलेंगे, क्योंकि महंगाई के पीछे सामान नहीं है, पीछे सप्लाई नहीं है बिल्कुल भी। हमारे मुल्क ज़रई होने की वजह से भी आप इस तरह लग रहा है जिस तरह हम यहीं अफ्रीका या दूसरे ममालिक में रह रहे हो, यहाँ जो दूसरी चीज़ों का कहत पड़ गया। थोड़े से आइटम्स बताइएगा, उनके रेट बताइएगा, पहले क्या था अब क्या हो गया?
मकई नॉर्मली 50 रुपये 40 रुपये किलो होती थी, ये जो आज 100-110 रुपये किलो है। गंदुम जो थी आपको पता है वो 55 रुपये किलो रेट है, आज 120 रुपये किलो उसका रेट है। बाजरा जो था वो पहले 50 रुपये 60 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो है। इस तरह जो चावल हैं वो आप देख लें कि 150 से लेकर आप जो 340-350 रुपये किलो तक चले गए हैं, आप ये देख लें 50% से भी अभाव हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इब्राहिम खान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान में जिमनी इलेक्शन उम्मीदवार की जानिब से कैंपेन शुरू। NA 156 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अल हसन ने अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मुल्तान के अंदर जिमनी इलेक्शन के बाद इस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सेनेटर राना महमूद अल हसन जो है इस वक्त उन्होंने अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज भी कर दिया है। हल्का भर के जो चेयरमैन हैं और जो वोटर सपोर्टर्स हैं इस वक्त उनके दरमियान अब बात भी करेंगे। इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कागजात की जांच पड़ताल भी हो गई है और हमने बाकायदा अल्लाह का नाम लेके और बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने कैंपेन स्टार्ट कर दी है। हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं और गहमा गहमी है इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि मसाइल भी अपनी जगह पर हैं, दुश्वारियाँ भी हैं, महंगाई का भी एक अफरीत है जो लोगों की ज़िंदगी को उसने मुश्किल किया है, लेकिन हमारी पार्टी ने मुश्किल फैसले लिए हैं, मुश्किल डिसीजंस लिए हैं कि एक मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत को संभाला है और हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों के लिए उनके दुख दर्द के फासलों को कम कर सकें, उनकी तकलीफ़ों का अजाला कर सकें। और महंगाई का जो एलिमेंट है उसको हल्के में कैसे देखते, कैसे काउंटर? महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, हम इस बात को एडमिट करते हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद हमें कुछ टाइम चाहिए होगा और IMF के साथ भी मामलात आखिरी मराहल में पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह मैं ये तवक्को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुंच गए, बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए।